हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। मुस्कान और दिव्या अग्रवाल में आ गई है दरार, जबकि वो बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ दिव्या अग्रवाल और मुस्कान चौटाला से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट, जहां पर अक्षरा ने इसके बारे में जो है दिव्या अग्रवाल को बताया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, दिव्या अग्रवाल और अक्षरा की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, पर कहीं ना कहीं जो है दिव्या अग्रवाल उनको दोस्ती रख रही है, पर उनको गेम में जो है ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। जो कि मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर गेम के तरीके से देखा जाए तो सही भी बात है, और अगर दोस्ती दिखाई जाए तो लोगों के दिलों में घर कर लेगी दिव्या अग्रवाल, जो कि नहीं कर पा रही है। इसी बीच में जो अक्षरा है वो देखती हैं दिव्या अग्रवाल बैठी हैं और मुस्कान चौटाला और दिव्या जो है बात नहीं कर रहे, जो कि काफी मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो अक्षरा दिव्या को बोलती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, उनके साथ कुछ लड़ाई वगैरह हुई है क्या? तो वहां पर दिव्या बोलती है नहीं, वो ही बात नहीं कर रही है, तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। तो वहां पर अक्षरा बोलती है कि नहीं, वो कल मुझे आके बोली थी कि दिव्या जो है मुझसे बात नहीं कर रही, काफी अजीब रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा शॉक हो गई और बोल रही है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो ही बात नहीं कर रही है। तो गाइस, हम लोग आप लोगों को मुस्कान चौटाला की एक छोटी सी चीज बता दें कि मुस्कान चौटाला को अगर इंटेंशन देना कम कर दिया जाए तो उनको लगता है कि कोई उनसे नाराज है या लड़ाई कर लिया है, तो वो उनसे दूर चली जाती है। यानी कि उनको इंटेंशन देते रहो देते रहो देते रहो तो वो वहां पर बैठी रहेगी, दोस्ती उनकी होती रहेगी। हालांकि आपका क्या विचार है मुस्कान चौटाला और दिव्या अग्रवाल की दोस्ती को लेकर, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।